एमबीए के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमपी के 10 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जहां से अगर आप इंजीनियरिंग में कोई भी कोर्स करते हैं तो एक तो ये कॉलेज आपको बहुत ही अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट दिलाते हैं तथा दूसरा बहुत ही कमाल का जॉब प्लेसमेंट भी दिलाते हैं तथा ये कॉलेज ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में फेमस है और इन कॉलेजों में पूरे भारत से बच्चे आकर स्टडी करते हैं तथा इन कॉलेजों में विदेशी बच्चे भी आकर पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि इन कॉलेजों का हाईएस्ट पैकेज लाखों नहीं करोड़ों में होता है और इन कॉलेजों का एजुकेशन सिस्टम और फैकल्टी इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप एक बार एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है IIT इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यह कॉलेज इंदौर में तथा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए यह कॉलेज पूरे एमपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है क्योंकि इस कॉलेज का फैकल्टी और एजुकेशन सिस्टम बड़ा ही जबरदस्त है। इसकी स्थापना हुई थी 2009 ईस्वी में। दोस्तों, इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का है तथा यहाँ के फैकल्टी बहुत ही एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड है। इस कॉलेज से आप बीटेक, एमटेक, एमएससी, पीएचडी तथा एमएस में कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, जितना ही कमाल का यह कॉलेज है उतना ही कमाल का इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। यहाँ पे 98% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 1.9 करोड़ रुपीज जबकि एवरेज पैकेज है 25.45 लाख रुपीज। दोस्तों, इस कॉलेज का इंटरनेशनल पैकेज है 8 करोड़ रुपीज। तो इस कॉलेज का आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आता है IIITM कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यह कॉलेज ग्वालियर में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1997 ईस्वी में। यह कॉलेज भी दोस्तों इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एकदम परफेक्ट कॉलेज है तथा यहाँ का भी एजुकेशन सिस्टम और फैकल्टी वर्ल्ड क्लास के है। इस कॉलेज के पास भी बहुत अच्छा एजुकेशनल सिस्टम उपलब्ध है। नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर न्यू स्टाइल के एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना इस कॉलेज की एक खास बात है। यह कॉलेज भी स्पेशल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज है। यहाँ से आप बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीजीडीएम तथा पीएचडी में कोर्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे भी 95% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 1.95 करोड़ रुपीज जबकि एवरेज पैकेज है 25 लाख रुपीज। इसके बाद नंबर 3 पे आता है MA NIT कॉलेज, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज भोपाल में तथा इस कॉलेज को NIT भोपाल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस कॉलेज का भी एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास का है तथा इस कॉलेज का भी कैंपस और फैकल्टी बहुत ही जबरदस्त है। इस कॉलेज का कैंपस 650 एकड़ जमीन पे फैला हुआ है तथा इस कॉलेज के पास खुद का एक क्रिकेट स्टेडियम भी है। वैसे तो दोस्तों यह कॉलेज काफी पुराना है लेकिन इसका एजुकेशन सिस्टम टोटली मॉडर्न है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। इस कॉलेज से भी आप बीटेक, एमटेक, बी प्लान तथा बी आर्क में कोर्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे भी 85% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 85.36 लाख रुपीज जबकि एवरेज पैकेज है 12 लाख रुपीज। इसके बाद नंबर 4 पे आता है IIIT कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज दोस्तों भोपाल में है तथा इस कॉलेज के पास अभी खुद का कैंपस नहीं है इसलिए यह कॉलेज अभी MA NIT भोपाल में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दोस्तों, इस कॉलेज का भी एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास का है तथा यहाँ पे भी बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम उपलब्ध है। दोस्तों, यह कॉलेज स्पेशल इंजीनियरिंग कॉलेज है इसलिए यहाँ पर सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्स ही कराया जाता है। यहाँ से आप बीटेक में कोर्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे भी 85% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 85 लाख रुपीज जबकि एवरेज पैकेज है 21 लाख रुपीज। इसके बाद नंबर 5 पे आता है DAVB यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या
विश्वविद्यालय। यह यूनिवर्सिटी इंदौर में है तथा यह यूनिवर्सिटी दोस्तों इंदौर का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय यूनिवर्सिटी है। हालांकि यह यूनिवर्सिटी काफी पुराना है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। दोस्तों भले ही यह यूनिवर्सिटी पुराना है लेकिन यहाँ का एजुकेशन सिस्टम टोटली मॉडर्न है। इस यूनिवर्सिटी में आपको विदेशी बच्चे भी पढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह यूनिवर्सिटी एमपी का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। यहाँ से भी आप बहुत सारा फील्ड में कोर्स कर सकते हैं, साथ ही साथ बीटेक और एमटेक में भी कोर्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट के मामले में भी यह यूनिवर्सिटी दोस्तों एक ग्रेड का है। यहाँ पे 80% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 1.13 करोड़ रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 15 लाख रुपीज। इसके बाद नंबर 6 पे आता है एलएन सिटी कॉलेज, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। वैसे तो दोस्तों यह एक कॉलेज ग्रुप है जो पूरे एमपी के बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ हम भोपाल कैंपस की बात कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिस्ट में तो यह कॉलेज दोस्तों पूरे एमपी का नंबर 1 कॉलेज है। इस कॉलेज के पास भी बहुत अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट उपलब्ध है। इस कॉलेज के पास भी दोस्तों बहुत ही अच्छा और क्वालिफाइड फैकल्टी उपलब्ध है। यहाँ से भी आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, लॉ तथा और भी बहुत सारा फील्ड में कोर्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात कर रहे तो दोस्तों यहाँ पे भी 80% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 1.12 करोड़ रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 10 लाख रुपीज। इसके बाद नंबर 7 पे आता है MITS कॉलेज, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। यह कॉलेज ग्वालियर में है। यह कॉलेज काफी पुराना कॉलेज है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। दोस्तों भले ही यह कॉलेज पुराना है लेकिन इस कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम और फैकल्टी टोटली मॉडर्न स्टाइल के हैं तथा इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्स के लिए तो यह कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक एजुकेशन के लिए यह कॉलेज एमपी का सबसे बेस्ट कॉलेज है। इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक फील्ड में है तो इस कॉलेज में एडमिशन जरूर लीजिए। यहाँ से भी आप बीटेक, एमटेक, एमबीए तथा पीएचडी में कोर्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट के मामले में भी यह कॉलेज दोस्तों एक ग्रेड का कॉलेज है। यहाँ पे 80% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 1 करोड़ रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 6 लाख रुपीज। इसके बाद नंबर 8 पे आता है IIITDM कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। यह कॉलेज जबलपुर में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2005 ईस्वी में। दोस्तों इंजीनियरिंग कोर्स के लिए यह कॉलेज भी एकदम परफेक्ट कॉलेज है तथा डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो यह कॉलेज एमपी का सबसे परफेक्ट कॉलेज है। इसलिए दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में है तो यह कॉलेज आपके लिए परफेक्ट कॉलेज रहेगा, क्योंकि इस कॉलेज में डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर मॉडर्न स्टाइल का एजुकेशन दिया जाता है। यहाँ से भी आप बीटेक, एमटेक, बीडीएस, एमडीएस तथा पीएचडी में कोर्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी 80% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 82 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 20 लाख रुपीज। इसके बाद नंबर 9 पे आता है TIT कॉलेज, टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज भोपाल में तथा इसकी स्थापना हुई थी 1999 ईस्वी में। दोस्तों यह कॉलेज भी इंजीनियरिंग के लिए एक ग्रेड का कॉलेज है जो TIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का कॉलेज है। इस कॉलेज के पास भी बहुत अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट उपलब्ध है तथा इस कॉलेज का कैंपस तो दोस्तों वर्ल्ड क्लास का है तथा इस कॉलेज का कैंपस और फैकल्टी टोटली आपको सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि इस कॉलेज के फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली मॉडर्न है। यहाँ से भी आप बीटेक, एमटेक तथा पीएचडी में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज में भी 80% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 85 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 8 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद नंबर 10 पे आता है VIT यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी दोस्तों भोपाल में, इसकी स्थापना हुई थी 2017 ईस्वी में। दोस्तों यह यूनिवर्सिटी अभी न्यू यूनिवर्सिटी है लेकिन इस यूनिवर्सिटी का फैकल्टी और एजुकेशन सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है, जिस कारण यह यूनिवर्सिटी काफी तेजी से पूरे एमपी में लोकप्रिय होता जा रहा है।
इस कॉलेज के पास भी बहुत अच्छा एजुकेशनल सिस्टम उपलब्ध है तथा यहाँ पे भी एक ग्रेड के फैकल्टी उपलब्ध है। यहाँ से भी आप बीटेक और एमटेक में कोर्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे भी 85% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 59 लाख रुपीज जबकि एवरेज पैकेज है 9 लाख रुपीज। दोस्तों यह है एमपी के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ से अगर आप इंजीनियरिंग में कोई भी कोर्स करते हैं तो एक तो ये कॉलेज आपको बहुत ही अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट दिलाते हैं तथा दूसरा बहुत ही कमाल का जॉब प्लेसमेंट भी दिलाते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं तथा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।